नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आपका। नक्सलियों पर शिकंजा कसने की हो रही है तैयारी। झारखंड छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर होगी सुरक्षा बलों की कड़ी नजर। छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव में झारखंड और छत्तीसगढ़ की सीमा पर सक्रिय नक्सलियों के मंसूबों को फेल करने के लिए छत्तीसगढ़ और झारखंड जिले के पुलिस ऑफिसरों की बैठक बलरामपुर में हुई। इस दौरान मैप के द्वारा झारखंड छत्तीसगढ़ सीमावर्ती क्षेत्र में विस्तृत रूप से चर्चा की गई। झारखंड छत्तीसगढ़ सीमा को सील करने की योजना बनाई जा रही है और माओवादियों के खिलाफ एक बड़ा अभियान शुरू किया जाएगा। इस अभियान में झारखंड और छत्तीसगढ़ के सुरक्षा बलों को शामिल किया जाएगा। इस बैठक में पलामू जोन के आईजी राजकुमार लकड़ा, लातेहार एसपी अंजनी आंजन, गढ़वा एसपी दीपक कुमार पांडे ने झारखंड की तरफ से भाग लिया था, जबकि छत्तीसगढ़ के सरगुजा के आईजी और सीमावर्ती इलाके के एसपी ने इस बैठक में भाग लिया। बैठक में प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के खिलाफ एक बड़ा अभियान शुरू करने की योजना बनाई गई है। लोकसभा चुनाव और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर सीमा क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने की योजना बनाई गई है। वहीं बैठक के दौरान चुनाव की तैयारी को लेकर भी कई चर्चाएं की गई। बैठक में अपराधी, नक्सली, शराब तस्कर, उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई की योजना तैयार की गई है। गौरतलब हो कि झारखंड और छत्तीसगढ़ का सीमावर्ती इलाका अति नक्सल प्रभावित है। दोनों राज्यों की सीमा करीब 150 किलोमीटर लगी हुई है और इस सीमा पर बूढ़ा पहाड़ भी आता है। बैठक में दोनों राज्यों ने नक्सली और अपराधियों के सूची को तैयार किया है और साझा किया है। बैठक में निर्णय लिया गया है कि मानसून के कमजोर होने के बाद इलाके में एक बड़ा ऑपरेशन चलाया जाएगा। इस अभियान में कोबरा, सीआरपीएफ के साथ साथ अन्य बलों को भी शामिल किया जाएगा। इस संबंध में पलामू जोन के आईजी राजकुमार लकड़ा ने बताया है कि बैठक में कई बिंदुओं पर सहमति बनी है। नक्सल और अपराध को लेकर संयुक्त अभियान शुरू किया जाएगा। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में सीआरपीएफ विशेष रूप से अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्रों के लिए महिलाओं पर विशेष ध्यान देने के साथ स्थानीय लोगों को नियुक्त करने की भी योजना बना रही है। इन भर्ती की गई महिला कमांडो को सुकमा, बस्तर, दंतेवाड़ा और बीजापुर जैसे नक्सली क्षेत्र में तैनात करने की तैयारी और ट्रेनिंग दी जा रही है। रिपोर्ट से पता चला है कि दंतेवाड़ा और सुकमा में तैनात महिला कमांडो को क्रमशः दत्तेश्वरी फाइटर और दुर्गा फाइटर के नाम से जाना जाएगा। सीआरपीएफ, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, आईटीबीपी और केंद्रीय सुरक्षा बलों के लगभग 50,000 जवानों को बस्तर डिवीजन में तैनात किया जा रहा है और उन्हें हैदराबाद में अभी विशेष ट्रेनिंग जो है वो प्राप्त हो चुका है।